शहरी चंगेजियत ना थमी, मगरबी किनारे में हमला, तीन फलस्तीनी शहीद, शहादतें 8000 से तजावज कर गई हैं। इंटरनेट और फोन सर्विस जुजी बहाल। हमास का इसराइल का सैफ तरफा हमला नाकाम बनाने का दावा। नेतन्याहू का जारहियत जारी रखने का ऐलान, कहा हमास से लड़ाई तवील और मुश्किल होगी। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल तलब। हमास का जवाबी वार, तल अबीब पर रॉकेट बरसा दिए, आयरन डोम नाकाम, मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्ला की रॉकेट बारी और अमरीकियों को लबनान छोड़ने की हिदायत जारी। सऊदाबाद में अला सुबह मुबैना पुलिस मुकाबला, चार डाकू हलाक, पुलिस अहलकार और दो शहरी जख्मी, असलहा, मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद। हलाक होने वाले लुटेरों की शनाख्त ना हो पाई। इस्लामाबाद में पाइट का दो रोजा मेला, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और हल समेत मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मौजूदात पर बहस। वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक कहते हैं कि कल्चर की तब्दीली नागुजीर है। सरकारी नौकरी और मौज के उनवान से तहकीककार शाहिद महमूद की बातचीत। बिलाल अब्बासी कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की बात इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं। अदम मसावात में कमी पर ताहिरा अब्दुल्ला, मरियम मुस्तफ़ा, अनम सादिक और डॉक्टर हादिया ने रोशनी डाली। मीडियम फास्ट बॉलर हसन अली सेहतयाब, साथी खिलाड़ियों के हमराह नाश्ता किया। पीसीबी मेडिकल पैनल आज सेहत का जायजा लेगा। मुकम्मल सेहतयाबी की सूरत में कल प्रैक्टिस का इम्कान है। और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हरा दिया। 389 रन के ताकुब में कीवी टीम 383 रन पर ढेर हो गई। नीदरलैंड की बड़ी फतह, बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त। वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड की टीम टकराएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।